जेबी ऐसा करते हैं कि हम कहीं दूर चले जाते हैं। हम ऐसा करेंगे कि बहुत दूर अपनी दुनिया बसाएंगे। क्या हुआ ऐसा को कि जानवर ने अगवा कर लिया उसे? उसकी भला किसी से क्या दुश्मनी थी? उसकी भला क्या किसी से दुश्मनी होगी? वो तो अपने बाप के काले करतूतों की सजा को कतरी है। आगे की कहानी गलत है आपको। शहजादा उस लड़की का हाथ थाम कर कसम खाता है कि वो उससे शादी जरूर करेगा और उसे अपने महल की मलिका जरूर बनाएगा। अम्मा, जेबी का है? वो कमरे में भी नहीं है और उसके कपड़े भी नहीं है। जी शौकी साहब, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? आज मैं तुझ पे माल लुटाने के लिए नहीं बल्कि लोगों को लूटने के लिए बहुत अच्छा माल लाया हूँ सनारा। देखोगी तो खुश हो जाओगी बल्कि बाग बाग हो जाओगी। अच्छा, जरा हम भी तो देखें। माल तो अच्छा है लेकिन उसकी कीमत भी अच्छी लूंगा। याद करोगे हुसन आरा के शौकी ने क्या तोहफा दिया है। अरे शौकी साहब, अब बातें ही करते रहेंगे या वो शाहकार भी दिखाएंगे? और आप तो जानते हैं कि हमने कभी किसी का हक नहीं रखा। दिखाइए वो शाहकार।
जी मजा। क्या नगीना लेके आए हैं शौकी साहब। भाई वाह, आइए शौकी साहब बैठिए। मेरा ख्याल है कि पहले पैसों। बस जब आपने हमें इतना नायाब हीरा ला के दिया तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। और आप तो जानते हैं हम किसी का हक नहीं रखते। ये तो है जी रजी। अब देखिए ना, इतने अनमोल हीरे की कीमत बहुत मेहनत तो होगी। ये लीजिए शौकी साहब। बुलाइए ना तमन्ना बी को और इसे 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 मिला दुला के हमारे दरबार में पेश करें। ले जाइए हीरा जी। लिहाज ना रखा, मेरे ही मुंह पर कालक मल के चली गई। हमारा घर तो आपके बेटे की वजह से बर्बाद हो गया। मेरा घर वाला गैरत था, घर ही छोड़कर चला गया। तेरा मियां तेरी बेटी के करतूतों की वजह से घर छोड़कर चला गया। अरे इसमें हमारा क्या कसूर? मेरा बेटा तो सीधा साधा था। सुभान अल्लाह, ये सारी आग ना आपके बेटे की लगाई हुई है। मेरी बहन तो मासूम थी, उसे क्या पता इन सब बातों का। आपके बेटे ने उसके साथ प्यार का झूठा नाटक किया और आप उल्टा आके हमारे घर में बोल रही हैं। बस बस लड़की चुप रह, बहुत जबान दराज हो। तुम्हें किसी ने छोटे बड़े की तमीज नहीं सिखाई? अगर जरा सी भी शर्म है ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मेरे सीने में जो लावा उबल रहा है, अगर मेरा बेटा ना मिला ना तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मार डालो, हम दोनों का भी मार डालो। हमारे पास पहले ही क्या बचा है, मार दो। ठीक है, जाएं आप, जो करना ना आपने कर लें आप, मैं भी देख लेती हूँ। ठीक है ठीक है। बाबा जी आज हम से आगे की कहानी सुनेंगे। अरे भाई तुम लोगों ने इस कहानी को मजाक और दिल लगी बना दिया है।
ये बीती हुई सच्ची कहानी है। तुम लोग क्या समझोगे इस कहानी को? है बाबा जी, बीती हुई क्या मतलब? लफ्जों को मत पकड़ा करो, अपने काम से काम रखो। अच्छा बाबा जी, आप नाराज ना हो, हम काफी दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे। कहानी आपने शुरू की थी, अब आप ही खत्म कीजिए। अच्छा सुनो फिर। इतना क्यों याद आ रहे हो अहमद? कि दिल काबू में नहीं आ रहा, दिल की धड़कन तेज से तेज होती जा रही है। हर धड़कन में तेरा नाम, हर सांस में तेरी आहट सुनाई दे रही है। ना नींद आती है ना चैन आता है, हर घड़ी तेरा इंतजार रहता है। ओ खुदाया, इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा? सोचती हूँ तो लड़ जाती हूँ। कोई ख्वाब तो नहीं देख रही है? तुम, लेकिन तुम इस वक्त यहाँ
किसी ने देख लिया तो क्या बता जाएगी। तुम जाओ यहाँ से। किसी नहीं रहता। बड़ी से बड़ी क्या बता जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं है। शायद मैं दो दिन से तुझे देखा नहीं था, मेरा दिल बेकाबू हो जा रहा था, मैं खुद को नहीं रोक सका और मैं अंजाम की परवाह किए बगैर तेरे पास चला आया। तुम समझते क्यों नहीं है बात? तुम्हें नाजिर है कि मुझे तुम्हारी जान की बहुत परवाह है। तुम्हें नहीं पता इस वक्त अगर किसी अजी बेटा, मैंने कहा था ना अहमद, कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा तो गजब हो जाएगा। तुम कहीं छुप जाओ। नहीं, तुम जाओ यहाँ से। अहमद, तुम्हें खुदा का वास्ता है, जाओ यहाँ से। अहमद जाओ यहाँ से। इसकी खबर लेती हूँ और आप जरा क्यों रिजक को ठोकर मारती है? अरे पगली, लोग तो इस पापी पेट की खातिर न जाने क्या से क्या कर जाते हैं। तूने तो अभी कुछ किया ही नहीं, तू डर क्यों रही है? हाँ, समझी क्या? नहीं समझी, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। चल अब खाना खा। नहीं खाएगी? ना खा। हुसैन आरा अपनी लड़कियों पर जोर जबरदस्ती नहीं करती। चल अब दो चार पाँव मार के दिखा। अरे पता भी तो चले कि तेरा अंग क्या है। हम्म,
मेरी माँ ने मुझे बाल वजू होकर नमाज पढ़ना तो सिखाया है, मगर पैरों में खमरू बांधकर नाचना नहीं सिखाया। माँ जो हुई माए तो होती ही भूली, लेकिन ये हुसैन आरा का कोठा है, तू फिक्र ना कर, हुसैन आरा तुझे सब सिखा दे। बहुत जल्द तुझे इतनी भूख लगेगी, इतनी भूख कि हराम और हलाल की तमीज तक भूल जाएगी। हाँ और हाँ, तमन्ना भी आएगी यहां तेरे पास इस कोठे के उसूल समझाने, समझी? हमारा तो वाकई यहाँ से जाने को दिल नहीं चाहता, मुझे और रैमा का आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, लेकिन क्या करें, वापस तो जाना है ना। आंटी आप हमें बहुत याद आएंगी। और नहीं यार, और मैं कोई पीर वीर नहीं हूँ, डाकू हूँ मैं, डाकू। और देखो कैसी बात है, डाकू डाकू ही मेरी बेटी को उठा कर ले गए। आपको अल्लाह का वास्ता, मुझे जाने, मेरी माँ रो रो के मर जाएगी।